और सैन पत्रोदा किस अमेरिकन टैक्स की बात कर रहे हैं? अमेरिका में भी इस टैक्स पर घोर विवाद है। अमेरिका के 6 राज्यों में इस टैक्स को वसूली करने की व्यवस्था है, लेकिन लूटो और शासन करो, ये पुराना कांग्रेस का करैक्टर है। कांग्रेस के मूल जींस में ही यह, जो अंग्रेज देश से चले गए लेकिन अंग्रेज देश के अंदर जो विरासत छोड़ के गए, जो कांग्रेसियों के खून में अंग्रेजों के जींस आज भी है, फूट डालो राज करो। तो इस आधार पर लूटो और शासन करो की नीति पर चलने वाली इटालियन कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने जरूर देखे, लेकिन इस टैक्स को भारत में लागू करने की बात करने का जो प्रयास कर रही है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक और गंभीर है। एक तरफ ये टैक्स लादकर आम जनता को आप तबाह करेंगे, आपकी संपत्तियों को जबरन कब्जे में लेंगे, फिर घुसपैठियों को देंगे जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। यह तो अच्छा हुआ कि 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, वरना कांग्रेस तभी लागू कर चुकी होती। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी नीतियों के अंतर्गत 5 लाख रुपए का तक का आपकी जो आय है उस पर कोई टैक्स नहीं देने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, लेकिन सैम पित्रोदा की स्कीम कांग्रेस सत्ता में आकर लागू कर दे तो आपको 1 लाख रुपए पर भी आय का 30% से ऊपर टैक्स देने का ये प्रावधान करते हैं। और इसलिए आज इस प्रकार के बयान, इस प्रकार के टैक्स को लागू करने का जो प्रयास सैम पित्रोदा के बयान के माध्यम से हो रहा है, उससे यह साबित होता है कि कांग्रेस देश के अंदर धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति को वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत, क्यों कोई जमीन नहीं बची है, किसी प्रकार का जनता का समर्थन अब नहीं है, जनता ने नकार दिया है, इसलिए इस प्रकार के प्रयास आज कांग्रेस कर रही है। ये विरासत का एक हिस्सा इसके परिप्रेक्ष्य में जाते हैं कि सोनिया इंदिरा गांधी के स्वर्गवास के बाद उनकी विरासत का हिस्सा उनके बच्चों के मिलने से पहले सरकार ने छीन लिया था, तो कांग्रेस ने पहले भी ऐसे कानून बनाया था, लेकिन अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इंदिरा गांधी के पुत्र और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विरासत कर कानून को खत्म कर दिया था।